स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में, एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच। कौन सी कंट्रीज है? एक है डेनमार्क, दूसरा है कैनेडा। 49 ईयर्स ओल्ड एक डिस्प्यूट चल रहा था, 1973 से डिस्प्यूट चल रहा था दोनों देशों के बीच, एक छोटे से आर्कटिक आइलैंड के ऊपर। आइलैंड का साइज है 1.2 स्क्वायर किलोमीटर्स। आई एम रिपीटिंग, आइलैंड का साइज है 1.2 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इस डिस्प्यूट को इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है बाय डिवाइडिंग द आइलैंड बिटवीन द टू, यानी कि आइलैंड के बीचों बीच से इन्होंने बाउंड्री ड्रॉ कर दी है दोनों की। तो आज हम लोग इसी खबर के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इन दोनों के बीच जो विवाद चलता था उसे कहते थे विस्की वॉर। मीडिया में इसको हाईलाइट किया गया था, विस्की वॉर बिटवीन डेनमार्क एंड कैनेडा। तो हम लोग जानेंगे व्हाई इट वाज कॉल्ड विस्की वॉर, और हम लोग ये भी जानेंगे कैसे इस डिस्कशन को हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल एमसीक्यूज बन सकते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन से। इस चर्चा के अंत में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन यूज द इन्फॉर्मेशन। ज्योग्राफी बेस्ड सवाल बन सकते हैं, स्ट्रेट बेस्ड सवाल बन सकते हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कैसे आप इस पर्टिकुलर डिस्कशन को इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी आंसर राइटिंग में फॉर वैल्यू एडिशन, ये भी आपको पता चलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो दैट वुड बी द एंटायर एजेंडा फॉर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड ऑन स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू ने शुरू किया है फाउंडेशन बैच, लाइव क्लासेस चलेगी यहाँ पे फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जहां पे आपके लिए 10 महीने की कंटिन्यूअस गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, क्लासेस बने हुए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज विजिट अवर वेबसाइट studyiq.com। यहाँ पे लाइव क्लासेस में 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव सेशन चलेगी जहां पे आपका जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कंप्लीट करा दिया जाएगा, और हमारा फोकस रहेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लर्निंग थ्रू एमसीक्यूज के ऊपर। आप जानते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको अप्लाई करना है इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज, और हम लोग यहाँ पे जब भी आपका एक मॉड्यूल खत्म होगा, जब भी सेशन खत्म होगा, हमारा फोकस रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, उस सेक्शन से एमसीक्यू सॉल्व करें। एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच चलेगा, कैसे आप चीजों को याद रखें, कैसे रिटेंशन हो, कैसे रिविजन करें, ये भी हम आपको गाइड करते रहेंगे जिससे कि आसानी से आप अपनी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि दिस कोर्स आफ्टर द डिस्काउंट वॉज रनिंग एट 25,000 रुपीज। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा था, पहले 200 स्लॉट्स के लिए 20,000 रुपए में ये कोर्स आपको मिलता था, बट अभी 200 स्लॉट्स से भी ज्यादा ऊपर भर चुके हैं, वी आर मूविंग अहेड। लेकिन अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो इससे भी एक अच्छा ऑफर है, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव यहां पे, यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 18,500 रुपीज ओनली। तो देर किस बात की है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ध्यान रखना है 20 जून 2022 शाम 6 बजे पहला क्लास शुरू हो रहा है। Let's get back to topic. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक विवाद था, 49 years old विवाद था दो देशों के बीच, डेनमार्क और कनाडा के बीच, और अभी फाइनली 2022 में इन्होंने एक डील स्ट्राइक की है टू एंड द रो और द इशू ओवर दिस आर्कटिक आइलैंड। सबसे पहले जानते हैं लोकेशन कहां है। देखिए, ये आपको नदन पोल के पास मिलता है। अगर आप इस लोकेशन को देखेंगे, दिस इज नदन पोल, नदन पोल से 600 किलोमीटर नीचे आपको मिलेगा, दिस इज कनाडा, दिस इज ग्रीनलैंड। और मैंने आपको बताया था डेनमार्क, आपको पता है कि ग्रीनलैंड इज द ऑटोनोमस रीजन ऑफ डेनमार्क इटसेल्फ। डेनमार्क की कैपिटल सिटी है कोपनहेगन, कनाडा की कैपिटल सिटी है ओटावा, नॉट टोरंटो, आई एम रिपीटिंग, कनाडा की कैपिटल सिटी है ओटावा। तो इन दोनों के बीच एक बाउंड्री डिस्प्यूट था, छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है हांस आइलैंड। तो आपको जानना है हांस आइलैंड डिस्प्यूट वाज बिटवीन टू कंट्रीज, डेनमार्क एंड कनाडा। ग्रीनलैंड एरिया डेनमार्क का ऑटोनोमस रीजन। अब इन दोनों के बीच ये जो वाटर बॉडी दिख रही है, इस वाटर बॉडी का नाम क्या है? इस वाटर बॉडी का नाम है NARES, नारेस स्ट्रेट, राइट? सो आपको ध्यान रखना है नारेस स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है, कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और डेनमार्क के बीच ये नारेस स्ट्रेट आता है।
और इन्होंने इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया। कैसे रिजॉल्व किया? एग्जैक्टली जो नारे स्ट्रेट है, जो वाटर बॉडी है, उसके बीचों बीच से इन्होंने अपनी मैरिटाइम बाउंड्री और साथ ही साथ यहाँ पे जो छोटा सा आइलैंड है हांस आइलैंड, इसके बीचों बीच से 50% इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटा सा आइलैंड है 1.2 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसको इन्होंने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। इन उस आइलैंड के बीचों बीच बाउंड्री बन चुकी है दोनों देशों की। तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है। अब ये डिस्प्यूट शुरू कब से है? देखिए 1973 से ही ये डिस्प्यूट चल रहा है। 1973 में पहली बार कनाडा और डेनमार्क ने नारे स्ट्रेट के थ्रू अपनी टेरिटरी को डिमार्केट किया। जो ग्रीनलैंड एरिया है डेनमार्क का, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन नारे स्ट्रेट इसको डिवाइड कर दिया कि इस तरफ आपका है, इस तरफ मेरा है। लेकिन 1973 में हांस आइलैंड के ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ। हांस आइलैंड को दोनों भी क्लेम करते थे। तो हांस आइलैंड अराउंड 680 माइल्स टू द साउथ ऑफ नॉर्थ पोल आता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कहाँ पे लोकेशन है उसकी। उसका जो डिस्प्यूट था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि विल डिसाइड इट लेटर। लेकिन जो इन्होंने डिस्प्यूट छोड़ा था हांस आइलैंड पे, इसके बाद एक प्रॉब्लम राइज होगी दोनों कंट्रीज के बीच। अब आप देखिए इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो मोस्टली अनइनहेबिटेड आइलैंड रहेगा, क्योंकि इतना अगर नॉर्थ पोल की तरफ आप जाओगे तो इट इज़ अ वेरी वेरी कोल्ड एरिया, वेरी कोल्ड टेरिटरी। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहा करते थे। तो क्या हुआ, एक डिस्प्यूट शुरू हुआ ओनरशिप के चलते। इन दोनों के बीच डिस्प्यूट शुरू हुआ और इस डिस्प्यूट को मीडिया ने नाम दे दिया विस्की वॉर। और मल्टीपल टाइम्स मीडिया में हाईलाइट हुआ विस्की वॉर बिटवीन डेनमार्क एंड कनाडा। अब सवाल ये उठता है कि ये विस्की वॉर एग्जैक्टली है क्या? व्हाई इज इट कॉल्ड विस्की वॉर? क्योंकि 1973 में डिमार्केशन होने से पहले से ही 1971 से ही दोनों कंट्रीज हांस आइलैंड के ऊपर क्लेम जताते थे। और जब भी कोई भी विजिटर, यानी कि डेनमार्क से कोई जाएगा या फिर कनाडा से कोई आएगा, तो वहां पे विस्की की बोतल छोड़ देता था। तो ये कॉन्फ्रंटेशन दोनों के बीच चल ही रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया आईसी कंडीशन से छोटा सा टाइनी आइलैंड था 1.2 स्क्वायर किलोमीटर रॉक का। और आपको ये ध्यान देने की जरूरत है 1973 से इशू रिजॉल्व नहीं हुआ कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई मिनरल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कोई मिनरल्स वगैरह भी नहीं मिलते। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये एक छोटा सा रॉक ही है, नॉट इवन एन आइलैंड, अ रॉक ऑफ 1.2 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसके ऊपर ही बात चल रहा। तो क्या हुआ करता था 1984 में डेनमार्क के मिनिस्टर ऑफ ग्रीनलैंड अफेयर्स, इन्होंने उस आइलैंड पे गए, हांस आइलैंड पे गए और वहां पे उन्होंने अपना डेनमार्क का फ्लैग हॉइस्ट किया। और फ्लैग हॉइस्ट के फ्लैग जो फ्लैग का पोल होता है, उस पोल के नीचे उन्होंने अपनी डैनिश स्नैप्स वहां पे रख दी। डैनिश स्नैप्स इज अ ड्रिंक, राइट? डैनिश विस्की है डैनिश स्नैप्स। तो वहां पे फ्लैग पोल के नीचे उन्होंने रख दिया और उसके साथ ही साथ एक नोट भी छोड़ दिया, वेलकम टू डैनिश आइलैंड। अब इसके बाद कंटिन्यूस टसल चली, यानी कि डेनमार्क की तरफ से जो भी वहां पे जाएगा तो अपनी विस्की की बोतल छोड़ देगा, कनाडा की तरफ से जो भी जाएगा तो वो अपना खुद का झंडा लगा देंगे और वहां पे बोतल छोड़ देंगे कैनेडियन ब्रांडी की। तो अगर आप हांस आइलैंड पे जाओगे तो आपको मल्टीपल डैनिश स्नैप्स, डैनिश विस्की वहां पे मिलेगी, कैनेडियन ब्रांडी आपको मिलेगी। इसीलिए इसको नाम दिया गया विस्की वॉर्स बिटवीन द टू कंट्रीज। इनफैक्ट 2002 में नाना फ्लेंसबर्ग, जो डैनिश मिलिट्री ग्रुप के भाग थे, उन्होंने वहां पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के दौरान ये कहा, उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा हुआ था कि जब हम लोग वहां पे विजिट गए फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के लिए, वहां पे हमें पत्थर तो बहुत सारे मिले, पत्थरों के साथ बहुत सारी बॉटल्स और बहुत सारी ग्लासेस मिली और कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले जहां पे उन्होंने क्लेम किया कि ये डेनमार्क का एरिया है, ये कनाडा का एरिया है। मतलब जब भी यहाँ पे एक्सपेडिशन जाएगा, जब भी यहाँ पे लोग जाएंगे तो अपनी विस्की की बोतल वहां पे छोड़ेंगे। कई बार एम्प्टी बॉटल्स के अंदर एक लेटर लिखा हुआ कि ये टेरिटरी हमारी है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें मिली वहां पे ऑन द हांस आइलैंड। तो इसीलिए इसको विस्की वॉर कहा करते थे बिटवीन डेनमार्क एंड कनाडा। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कभी लड़ाई नहीं हुई। ऑल दो अगर हम लोग दोनों कंट्रीज की बात करें 1973 के बाद उन्होंने अपने वॉरशिप्स भेजे थे आइलैंड के ऊपर, लेकिन कभी शूटिंग नहीं हुई, कभी ये बहुत बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल एक इशू नहीं बना दोनों देशों के बीच। और अभी हाल ही में इसको रिजॉल्व कर दिया गया। इनफैक्ट इसकी चर्चा 2005 से ही शुरू हुई कि दोनों देश डेनमार्क और कनाडा, इन्होंने कहा कि हम लोग इस डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करते हैं। और 2022 में इवेंचुअली इसके बीचों बीच से बाउंड्री भी डिमार्केट हो चुकी है। अगर दिस इज हांस आइलैंड, 50% गोज टू कनाडा, 50% कम्स टू डेनमार्क। और सिंबॉलिकली जिस दिन ये एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ, दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक दूसरे की विस्की या फिर जो ड्रिंक्स की बॉटल से उसे एक्सचेंज किया, सिंबॉलिकली दे एक्सचेंज द विस्की बॉटल। यू कैन सी द पिक्चर हियर। और आपको ध्यान रखना है अभी तक ये मतलब फाइनलाइज नहीं हुआ, अग्रीमेंट तय हो चुका है। तो अग्रीमेंट वुड बी फुली फॉर्मलाइज जब दोनों देशों के पार्लियामेंट, यानी कि कैनेडियन पार्लियामेंट एंड ऑन द अदर साइड डेनमार्क पार्लियामेंट, जब इस चीज को रेटिफाई करेंगे तब बाउंड्री डिमार्केट हो जाएगी इन दोनों के बीच।
तो आई होप कि इस डिस्कशन से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में पता चला, हांस आइलैंड के बारे में पता चला, जो दो देशों के बीच है, डेनमार्क एंड कनाडा। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस डिस्कशन के अंत में बताऊंगा कि हाउ आर यू गोइंग टू यूज दिस डिस्कशन फॉर योर एग्जाम, एग्जाम के दृष्टिकोण से, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो, स्टेट पीएससी एग्जाम हो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू फॉर डिस्कशन। बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, मेंस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने आपसे सवाल पूछ दिया, हांस आइलैंड डिस्प्यूट किन दो देशों के बीच है, या फिर विस्की वॉर विच इज रिसेंटली इन न्यूज और विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, ये किन दो देशों के बीच है? इट इज बिटवीन डेनमार्क एंड कैनेडा। आई एम रिपीटिंग, कैनेडा की कैपिटल सिटी है ओटावा, नॉट टोरंटो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। इसके अलावा कैनेडा और डेनमार्क, कैनेडा और ग्रीनलैंड को मैं कहूंगा, कौन सा स्ट्रेट डिवाइड करता है? इट इज द नैरेस्ट स्ट्रेट, प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड अभी आपके लिए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कनाडा की टेरिटोरियल बाउंड्री किन किन देशों के साथ है, यानी कि कनाडा शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ विच कंट्रीज। अब इस पर्टिकुलर डील से पहले मैं कहूंगा इट वाज ओनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट नाउ कनाडा शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ टू कंट्रीज, वन इज यूएसए एंड वन इज डेनमार्क, विथ डेनमार्क इन द हांस आइलैंड। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट फ्रॉम नाउ ऑन। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के छात्र हैं तो आप इस डिस्कशन को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेरी गुड एग्जांपल, वैल्यू एडिशन के तौर पे आपकी आंसर राइटिंग में आप बता सकते हो अ वेरी गुड एग्जांपल सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बाय माइकल डॉयल। आप जानते हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करने के। सबसे डोमिनेंट आपको पता है कि पैराडाइम इज रियलिज्म। अब रियलिज्म के अलावा आपको दूसरे स्कूल्स भी मिलते हैं विच आर कॉल्ड एज फुटनोट्स ऑफ रियलिज्म होंगे, जैसे कि लिबरल थ्योरी होगी आपकी, मार्क्सिस्ट थ्योरी होगी, फेमिनिस्ट थ्योरी होगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी और दी फंक्शनल थ्योरी। आप बहुत सारी फंक्शनल थ्योरी या फंक्शनल अप्रोच बता सकते हो, लेकिन जब आप लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हो उसको आप जब सब डिवाइड करोगे यू विल गेट वन ऑफ दी थ्योरी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। तो लिबरल थ्योरीज में एक थ्योरी है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, जो कहती है कि डेमोक्रेसी आप स्प्रेड करोगे तो डेमोक्रेसी लड़ाई, दो डेमोक्रेसी लड़ाई नहीं करते हैं। अब इसके आपको ऑपोजिट एग्जांपल्स भी मिलेंगे, लेकिन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल कि कैसे डेमोक्रेसी पीसफुली जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अ वेरी गुड एग्जांपल फ्रॉम कनाडा एंड डेनमार्क, वेयर द बाउंड्री डिस्प्यूट फॉर एन आइलैंड हैज बीन पीसफुली रिजॉल्व बाय सिंपली डिमार्केटिंग 50-50%, 50% आपका, 50% हमारा, और रेजोल्यूशन निकल गया। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा फॉर सपोर्टिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। That is it in this particular discussion. अगर आपको ये discussion पसंद आया, you can always follow me on my social media handle @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई doubt है, कोई suggestion है, कोई feedback है, आप मुझे directly message कर सकते हैं on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable.